सिवड़ी का जाम है, देख लो भाई सिवड़ी जाम में। या आज करीब 5 साल से ब्रिज का काम हो रहा है, ममता दीदी का सरकार है, ये अभी तक काम हुआ नहीं। बस जितने ड्राइवर है इतना परेशान होता सिवड़ी रेल गेट का, ये पूरा परेशान होता है। अभी करीब मैं 2 घंटा खड़ा था, 2 घंटा कम 2-2.5 घंटा के बाद मैं निकला हूँ। अब इस जगह क्या दशा है देख सकते हैं आप, क्या जाम है। रेल गेट का ब्रिज का काम चल रहा है आज से नहीं, करीब 5 साल हो गए, 5 साल के ऊपर हो गया, और इतने ओवरलोड चलता है इसमें। ओवरलोड चेक पोस्ट भी बना दिया है तो भी जाम का कोई ख़त्म, ओवरलोड का ख़त्म नहीं है। रोड इतने टूटता फूटता है दोस्तों, ये आप जो भी इस रोड में आएंगे किसी तरह का जाम आपको झेलना पड़ेगा। आपको सिलीगुड़ी गुवाहाटी अगर इस रोड से जाएंगे तो यही एकदम झेलना पड़ेगा, एकदम झेलना पड़ेगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो पूरा रात आपको झेलना पड़ेगा एग्जाम में। ओवरलोड बंद हो जाएगा जाम ख़त्म हो जाएगा। ओवरलोड का वजह से देख रहे हैं ये सब खाली पत्थर, सब ओवरलोड में पत्थर है, और बोलता है ओवरलोड बंद है, ओवरलोड बंद है, कहाँ बंद है दिखाए। ये सब गाड़ी ओवरलोड का है, अभी जा रहा है खाली करके, फिर रात में आएगा तब एकदम ओवरलोड करके। ये सोच सकते हैं जो क्या करें, मतलब कल वेस्ट बंगाल का इतना बुरा हालत है, इतना बुरा हालत है, कोई यहाँ गाड़ी चलाने नहीं पूछता, मतलब क्या करें, मजबूरी है। जब इस लाइन में उतर गया है तो कुछ करना नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकता है, काम का मजबूरी है। जाम इतना है जो प्राइवेट वाला तक जाम में झेल रहा है, क्या करेगा, कुछ उपाय नहीं है ना। देखो ये आर्मी का गाड़ी है, ये बस देखो आ रहा है, ये तब और क्या करेगा। इस साइड भी देख लो, इस तरह का जाम लगेगा तो ओवरटेक करेगा ही ना प्राइवेट वाला लोग। जब वो लोग एसी में रहता तो भी, हम लोग तो इतना गर्मी हो है बोलने का बात नहीं। अब ये देखो, और कम से कम नहीं तो 150 रुपये ऐसे भी मांगने वाला होता है, तो भी सब कोई देता है। चलो यहाँ तक जाम लग गया, समझिए 3 किलोमीटर तक जाम है। अब सोच लीजिए।